हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टेट स्पीड अप। लेकिन ज्वाइनिंग प्रोसेस का 11वां आरआरसी का प्रोविजनल पैनल आ चुका है, यानी कह दे कि 1,03,000 की प्रोसेस में कई सारे आरआरसी कम कम करके पैनल दे रहे हैं, क्योंकि रोजगार मेला अप्रैल में लगनी है। 3803 विद्यार्थियों का नौकरी आरआरसी मुंबई और WR का है। UR से भी कैंडिडेट है, बाकी कम्युनिटी SC ST EWS सभी से कम्युनिटी है, OBC से भी कैंडिडेट है। तो यहाँ का पैनल अगर देखेंगे तो पूरे पैनल को देखने के लिए वेबसाइट पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ WR के वेबसाइट पे जाएंगे तो नोटिस नंबर 9 आ चुका है, जिसमें क्लिक एयर प्रोविजनल पैनल फॉर PWD और नॉन PWD दोनों के लिए है। यानी PWD 122 कैंडिडेट हैं और नॉन PWD बचे हुए कैंडिडेट 3800 में से शामिल है। इस नोटिस को हम डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक नोटिस आ जाएगा। तो नोटिस का पहला पेज हमें पढ़ना है सबसे पहले ध्यान से। इसमें प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 है, तारीख 23 तारीख का है, WR मुंबई के लिए है। आप यहाँ पे देख लेंगे तो सारा चीज़ देखने के बाद यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कहानी कि ये हुआ तो उसके बाद ये हुआ, उसके बाद लेवल में कौन CCA का हुआ, किसका क्या हुआ। बाकी कहानी लिखने के बाद फर्स्ट स्टेट DB ऑफ CCA वाज हेल्ड फॉर इतना 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 वगैरह, सेकंड में हुआ इतना इतना। तो ये सबको तो अभी रोक रखा है, अभी डिटेल नहीं दिया है CCA पैनल का। लेकिन अभी तक जो पैनल आया है वो नॉन PWD कैंडिडेट में 3803 का है, इंक्लूडिंग CCA है या नहीं है अभी डिटेल नहीं पता चल रहा है। ऊपर में तो लिखा हुआ है कि CCA का DB इतना हुआ था, दोबारा PWD का इतना हुआ, फिर नॉन CCA का 21-2 से लेके 28-3 तक अभी तो चल ही रहा है। आज 23-3 है तो 28-3 तक में तो बाकी अभी है। तो टोटल 3681 कैंडिडेट नॉर्मल के और 122 कैंडिडेट PWD के हैं, और नॉर्मल में CCA या PWD इंक्लूड है पता नहीं। उसके बाद कम्युनिटी वाइज डाटा आप देखने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने बता दिया है कि UR में 1715 कैंडिडेट है, इंक्लूडिंग EWS OBC SC ST, यानी इसमें सब लोग हैं, UR के भी हैं और बाकी कम्युनिटी के भी लोग हैं। डिटेल वीडियो कल मॉर्निंग में। OBC का 775 कैंडिडेट है, AC के 83, ST के 42, EWS के 159, और प्लस इसमें जो UR में होंगे वो CCA का 897 कैंडिडेट। देखिए यहाँ मिल गया, ऊपर नहीं लिखा था। तो नॉन PWD में CCA भी है 897, CCA में LD BAI का कैंडिडेट 3884 है, सब मिला के 3803 कैंडिडेटों का पैनल जारी है। नीचे में रोल नंबर दिखेगा, रोल नंबर से भी आप उस नंबर को मिला सकते हैं। हालांकि उन्होंने UR लिख दिया है तो UR से काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे देखिए UR के कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ 1755 है, तो यहाँ पे हम एक बार सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा एक बार डिटेल। तो 1141 WR का कोड है, सर्चेबल हो PDF तो सर्चेबल है। 1141 में 3807 कैंडिडेट आ रहा है, वहाँ पे 3 दिखा रहा था, तो एक आध हो सकता है रोल नंबर डबल डबल हो, इसके कारण से ऐसा हो रहा है। तो 1141 के बाद हम UR के कितने कैंडिडेट ओरिजिनल हैं तो वो हमें डाटा मिल जाएगा। 276 कैंडिडेट UR का है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि UR के सारे कैंडिडेट जो है 276 आपको डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ तक। और यहाँ से AC शुरू हो रहा है, ये देखिए हम मार्क कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से AC कैंडिडेट शुरू हो रहे हैं और इससे ऊपर ऊपर UR के कैंडिडेट हैं। यानी जो लिस्ट है कहाँ तक, 240 तक उसमें UR है, यहाँ 76 दिख रहा है 240, और फिर नीचे PWD और CCA में भी होंगे इसी तरह से। तो नीचे भी हाईलाइट होगा UR वाला जितने कैंडिडेट होंगे। एक मिनट मैं नीचे ले लूँ, PWD में भी UR होंगे नीचे कैंडिडेट, जहाँ हाईलाइट आपको मिल जाएगा। एक मिनट 44, यहाँ देखिए बाकी बचे हुए UR के कैंडिडेट यहाँ नीचे में है इसलिए। और फिर कुछ कैंडिडेट PWD में भी है, 5 कैंडिडेट UR के PWD में है, बाकी CCA में कितने कैंडिडेट UR के हैं तो 30 कैंडिडेट हैं, टोटल मिलाकर 276 है। ठीक है, उसके बाद 93 की बात करेंगे, 92 AC कम्युनिटी की बात करेंगे। तो AC कम्युनिटी 379 है। UR में देखिएगा तो यहाँ आपको दिख जाएंगे सारे AC के कैंडिडेट जितने रोल नंबर हाईलाइट है। उसके बाद उसी तरह सभी कम्युनिटी में जितने जितने शामिल है,
एससी कम्युनिटी का नीचे पैनल में देख लेंगे तो सीसी और पीडब्ल्यूडी 44 पेज से शुरू हो रहा है। तो पीडब्ल्यूडी में एससी के 2 कैंडिडेट हैं और सीसीए में एससी के 3 कैंडिडेट हैं। एक मिनट, पीडब्ल्यूडी में कितने, 3 2 5, दोनों मिला के एलडी और ओ, और ए बी आई में भी है 5 कैंडिडेट, 10 हो गए। उसके बाद आप सीसीए में देखेंगे तो सीसीए में भी कुछ कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको। नन पीडब्ल्यूडी यहाँ देखिए सीसीए का, तो यहाँ पे अब ऊपर ही है, 9 कैंडिडेट है। चलिए 379। उसके बाद 73 की बात करना है, 3 की बात करेंगे, यानी एसटी कम्युनिटी 185 है। और ऊपर में जो लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, 185 है, मतलब इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो 185 यहाँ पे हमारे पैनल में आए तो 185 दिखा रहा है एसटी कम्युनिटी का, और यहाँ पे देखिए 42 दिखा रहा है। तो 185 का मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ तो इधर भी होंगे, कुछ सीसीए में भी होंगे, और जो बचे हुए कैंडिडेट हैं वो यूआर में क्वालिफाई होंगे। उसी तरह से हमने अभी एसी का सर्च किया तो हमें 300 कुछ दिखे, यहाँ पे 83 दिख रहा है, बाकी यूआर में क्वालिफाई है या सीसीए और पीडब्ल्यूडी में क्वालिफाई है। चलिए सबसे मेजर बात कर लेते हैं, कौन सबसे मेजर वाला है, तो ओबीसी। ओबीसी में 2126 कैंडिडेट हैं, और जबकि इन्होंने दिखाया है कितने कैंडिडेट, एक मिनट ऊपर आप देखेंगे, यह इन्होंने दिखाया है कितना, तो ओबीसी के 745 कैंडिडेट हैं। तो 745 कैंडिडेट अपनी ओबीसी मेरिट में हैं, बाकी जो कैंडिडेट हैं इसमें हैं, इसमें 2600 में, और सीसीए वाले में तो सब ओबीसी वाले ही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी और एक सर्व इसमें भी एलआई और बीचआई भी दोनों में होंगे, यानी जो 3800 पैनल जारी हुआ है उसमें से 2600 आपके ओबीसी के हैं और 1200 में सभी कम्युनिटी है यूआर मिला के। चलिए ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की बात यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस के 350 कैंडिडेट हैं टोटल पैनल में, और 350 में से अगर सीधी सीधी बात करेंगे तो 350 के बदले यहाँ पे ओरिजिनल जो कैंडिडेट है 159 है, यानी कहें तो टोटल टोटल 141 कैंडिडेट और ऐसे हैं जो या तो यूआर में क्वालिफाई है या सीसीए और पीडब्ल्यूडी में। तो इसको देखने के लिए अगर सीसीए पीडब्ल्यूडी निकालना पड़ेगा तो ईडब्ल्यूएस कितने यूआर में क्वालिफाई है डायरेक्ट निकल जाएगा। तो देखिए एलडी में तो कोई कैंडिडेट नहीं है आपका, यहाँ पे एलडी में 3 कैंडिडेट हैं आपके 141 में से, किस में, आपके पीडब्ल्यूडी में, और 1 कैंडिडेट इधर, 4 हो गए, और सीसीए में कितने नन पीडब्ल्यूडी में ही सारे हैं, यानी 4 कैंडिडेट नीचे में हैं एलडी और इसमें, बाकी सीसीए वाले में कुछ होंगे और नॉन पी उसमें होंगे। नन पीडब्ल्यूडी में सब लगा दिया, सीसीए लगा के दे दिया है, तो उसी में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये रहा पूरा पैनल, और पूरा पैनल को देखने के बाद डब्ल्यूआर का लग रहा है कि अभी भी बहुत लोगों का नाम नहीं आएगा, तो लोगों को लगता है कि मेरा नाम कम आए, और होना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी बहुत बड़ी है और उसका बहुत छोटा सा पैनल दिया है, अगर वैकेंसी के हिसाब से बात करेंगे तो 10,000 में से अभी 3800 का पैनल आया है, यानी टोटल सब कह दे कि अभी भी 2 गुना कैंडिडेट बचे हुए हैं, 1 गुना का सिलेक्शन हुआ है, यानी सीधी सीधी बात करेंगे तो अभी भी 2 इतने बड़े बड़े पैनल और आ सकते हैं। यूआर का भी पूरा पैनल नहीं आ पाया, यानी कि देखेंगे यहाँ से यूआर का भी पूरा नहीं आ पाया, बाकी कम्युनिटी का तो पूरा हुआ ही नहीं। तो चलिए जैसे ही डिटेल आएगा शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।